First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने पाइपलाइन बिछाए जाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। अब उस पर इंक्वायरी बैठ गई है और खुदाई कर पाइपलाइन की जांच की जाएगी कि क्या वाकई में पुरानी पाइपलाइन डाली गई है और पुरानी पाइपलाइन जहाँ डाली गई है वहाँ आज खुदाई भी शुरू की गई है। जिस तरह से शानू पठान ने इस घोटाले को उजागर किया ठेकेदारों के साथ साथ ठाणे महानगर पालिका पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और मांग की थी कि मनपा के जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएं उन्हें निलंबित किया जाए और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालकर इन पर FIR दर्ज किया जाए। अब कल्याण फाटा से दीवा मुमरा प्रभाग समिति की तरफ पानी की पाइपलाइन जो बिछाई गई है उसे आज खोद कर बाहर निकालने का काम शुरू किया गया है। आज तमाम अधिकारियों के बीच मौजूदगी में इस पाइपलाइन की खुदाई शुरू की गई है। इसमें बिछाए गए पाइप निकाले जाएंगे, इनकी जांच होगी कि क्या जिस तरह से शानू पठान ने पुराना पाइपलाइन डालने का आरोप लगाया है क्या वो सही है। पानी की पाइपलाइन भी पिछले दिनों फूट गई थी और कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ है दोबारा फिर पानी की पाइपलाइन जो डाली जा रही है वो पुरानी पाइपलाइन है जिसकी वजह से आगे चलकर दोबारा पानी की पाइपलाइन फूट सकती है और लाखों लीटर पानी बर्बाद हो सकता है। मुमरा दीवा के लोगों को इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, मगर सवाल उठता है कि क्या इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे घोटाले होते हैं और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। आज बहरहाल अधिकारियों की मौजूदगी में खुदाई की गई है और इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है अब कि क्या वाकई में पुरानी पाइपलाइन डाली गई है। आज शानू पठान ने भी बताया कि ये बड़ा घोटाला है और आज खुदाई शुरू हो गई है और पाइप निकालकर इसकी जांच होगी और रिपोर्ट के मुताबिक दोषियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।